आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज सुबह की सच्ची खबर में आप सभी का स्वागत है। बहनों, बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में लगी है, तो सभी राज्यों की बहनें वीडियो को पूरा अंत तक देख करके ही जाना। हम एक एक करके जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे, तो आप अगर चैनल से ना जुड़ी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। इधर बात करते हैं, राजमती बहन जो आती है उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से, और उन्होंने अपनी समस्या को लेकर के भेजा है। आप सब सुनेंगे तो यही कहेंगे कि ये बहन के साथ में अपनी ही बहनें गलत कर रही हैं, क्योंकि किसी बहन को ताने देना ठीक बात नहीं है। समय सबका आता है, और एक दिन देख लेना उन बहनों का भी समय आएगा जो बहनें लगातार काम कर रही हैं पोषण ट्रैकर पर। ऐसे में आपको बताते हैं बहन ने क्या लिखा। कहना है इनका, सुधांशु भाई नमस्ते, मैं आपके बताने के अनुसार पोषण ट्रैकर पर सारे लाभार्थी वेरीफाई कर लिए हैं, जबकि मुझे ऑफिस से कोई सूचना तक इसके लिए नहीं मिली थी। अभी तक मेरे ब्लॉक मछेरटा में 2 या 4 लड़कियों का ही पोषण ट्रैकर पर काम हुआ है, और बाकी जो है लोगों का पोषण ट्रैकर लॉगिन नहीं होता है। मैंने तो यहां पर हैट वेट राशन यहां पर वितरण भी पोषण ट्रैकर पर भर दिया है। 15 जुलाई तक आपने कहा था, मैंने सारा कुछ भर दिया है, पता नहीं 2000 प्रोत्साहन राशि मिलेगा या नहीं। मैंने तो आपके बताने के मुताबिक माह सितंबर 2021 से पोषण ट्रैकर पर सारा काम किया है, लेकिन आज तक फूटी कौड़ी तक हासिल नहीं हुई है। और बहने वगैरह जो है ताने देती हैं कि आपने काम किया और क्या मिला इसके लिए, और मैं इसीलिए इस सवाल में जहां पर ना पड़ती। ये सब सरकार धोखा दे है, काम करवा लेगी और देगी कुछ नहीं, ऐसा ही होगा भाई। और क्या लाभार्थी वेरीफाई हर माह करने होंगे। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता राजमती जिला सीतापुर। तो पहली बात तो आपने पूछा, लाभार्थी हर महीने वेरीफाई नहीं करने होंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वहीं दूसरी बात आपको बता दें कि जैसे कि आपने कहा कि 2000 प्रोत्साहन राशि अभी तक नहीं मिला है, एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिली, तो अभी तक ये किसी भी जिले में नहीं मिली है, एक भी पैसा 2000 में से नहीं मिला है। 1500 आपके केंद्र सरकार राज्य सरकार के और 500 केंद्र सरकार के, एक भी तरह का प्रोत्साहन नहीं मिला है। अब यहां पर आप जैसे ये कह रहे हैं कि आप जो 2021 से सितंबर महीने से बराबर काम कर रही हैं, तो अगर आप काम कर रही हैं तो आपका लिस्ट में खुद ही नाम जाएगा। अभी आपने देखा है कुछ जिलों में यही जो है प्रोत्साहन राशि के लिए जो है लिस्टें तैयार की जा रही हैं, नाम बकायदा तैयार हो रहे हैं, और अब पोषण ट्रैकर पर कार्य के आधार पर ही PLI आएगा। काफी बहनों के वहां से आप लोगों ने जानकारी देखी थी पिछले एक वीडियो में 2-3 दिन पहले, कि उसमें बताया जा रहा था, कुछ बहनें कह रही थी कि उनके वहां इतनी बहनों में केवल इतनी ही बहनों का नाम है। अब ऐसे ही तो फिर होता है कि बाकी बहनें अगर काम वहां नहीं कर रही हैं और आपको ताने दे रही हैं, तो ऐसे में आने वाले वक्त में देख लेना आपका आएगा और उनका नहीं आएगा, ऐसा ही होगा। क्योंकि काम आपने किया है पोषण ट्रैकर पर, आपका ही तो प्रदर्शित करेगा, जिन्होंने किया ही नहीं है, जिनके लाभार्थी तक फीड नहीं है, उनका थोड़ी करेगा। अब यहां पर इस बारे में आप सोचिएगा, तो यहां पर क्योंकि आपका भी समय आ सकता है, प्रोत्साहन राशि बन रही है, इधर उधर जिलों से कुछ ना कुछ जानकारियां आ रही हैं, तो अगर जल्दी प्रोत्साहन राशि खातों में उत्तर प्रदेश में भेजी गई तो आएगा उन्हीं का जिन्होंने बराबर हर हर महीने अपना पूरा पूरा काम किया है। और काम में आप सबको मैं पहले कई बार बता भी चुका हूं क्या क्या काम करना है, ग्रोथ मॉनिटरिंग कितने परसेंट, विजसंडी वाला कितने परसेंट, ये सब आपका होम विजिट, ये सब दुनियादारी कितना कितना परसेंट तक लगभग होना चाहिए, तो वो सब चीजें अगर आप सही सही कर रहे हैं तो प्रोत्साहन राशि के आप हकदार हैं। और मान लीजिएगा अगर कोई कर कुछ नहीं रहा है, केवल पोषण ट्रैकर खोल रहा है, बंद कर रहा है, लाभार्थी फीड कर लिए और बाकी कुछ करता ही नहीं है, ना तो वजन भरता है ना कुछ करता है, तो ऐसे में आपने जो भी किया होगा वो सब बेकार ही जाएगा। तो अगर करना है तो मानक के अनुसार जो चीजें दी गई हैं उनके अनुसार करनी है, और मानक आप सबको बहुत बार बताए जा चुके हैं। तो अब चलते हैं आगे, और भी मुद्दे हैं, जैसे कि बिहार के सीतामढ़ी जिले से किरण यादव बहन आती हैं, और इनका यहां पर एक फोटो उन्होंने दरअसल कुछ भेजी है और कुछ मैसेज भी भेजे हैं, तो अभी हम पहले बात कर लेते हैं तस्वीरों की। तो यहां पर यूनियन की बैठक हुई है और बैठक में कुछ निर्णय लिए गए हैं, और उन निर्णयों के बारे में आप सबको आज हम बताएंगे। ध्यानपूर्वक आप सब बहनें जो बिहार के वीडियो देख रही हैं सुनिएगा कि बिहार में आने वाले समय में यूनियन का क्या संदेश है। इसमें लिखा है, आवश्यक सूचना, बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन जिला सीतामढ़ी के सभी प्रखंड अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष, इनको सूचित किया जाता है कि दिनांक 17 जुलाई जो कि कल हो चुकी है,
रविवार को 11 बजे से पुनौरा धाम स्थित मां जानकी विवाह भवन मंदिर में मुख्य गेट के सामने निम्न बिंदुओं पर विचार विमर्श हेतु बैठक आहूत की गई है। बैठक में संघ के प्रदेश महासचिव कुमार बिंदेश्वर सिंह जी मौजूद जो है वहां पर रहेंगे, जिसमें लंबित मानदेय, बकाया मानदेय, किराया, मार्केट रेट, इन सबके अनुसार पोषाहार, गोद भराई, अन्न प्राशन, साथ ही दिनांक 24 जुलाई को राज्य स्तर पर बिहार में होने वाले कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यह बैठक रखी गई है। आप सभी अध्यक्ष सचिव समय से बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करें, इसे अति आवश्यक समझे, रेखा कुमारी जिलाध्यक्ष। तो यहां पर देखिएगा, सीतामढ़ी से जानकारी आई है, वहां पर 24 जुलाई को राज्य लेवल पर बिहार में प्रदर्शन टाइप का साथ देखने को मिलेगा, इनका कार्यक्रम प्रस्तावित है, तो वहां पर उसी की तैयारियां हो रही हैं। अब चलते हैं आगे और आपको और भी जानकारियों से रूबरू करवाते हैं। आपको बता दें कि गवर्नमेंट ऑफ यूपी यानी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ट्विटर से ट्वीट किया गया कि उत्तर प्रदेश में अब सरकारी गल्ले की दुकानों पर बनेगा आधार, पैन कार्ड और आयुष्मान कार्ड। तो ये आपके कहां बनाए जाएंगे, सरकारी गल्ले की दुकानों पर भी ये बनेंगे। तो यहां पर देखते हैं और इससे क्या जुड़ी हुई जानकारी निकल के आ रही है। ये जानकारी इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि आंगनबाड़ी बहनों के जो लाभार्थी हैं उनके बहुत सारे लाभार्थियों के आधार कार्ड नहीं बने हैं, और मान लीजिएगा जो आपके बने हैं फिलिंग हो भी गई है तो लाभार्थी तो पैदा होना बंद नहीं होंगे, लाभार्थी तो आते ही रहेंगे, चाहे वो आपके बच्चे हों चाहे गर्भवती महिलाएं हों। तो ऐसे में अगर किसी का आधार कार्ड नहीं है तो आगे दिक्कतें आ सकती हैं। तो देखिए यहां पर क्या कुछ चीजें जो है निकल के आ रही हैं। इनका कहना है, अजय त्रिवेदी जी की ये रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश में अब सरकारी राशन के दुकानों पर अब जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान, आधार, पैन कार्ड ये सब बनाया जाएगा। सरकारी राशन की दुकानें ई स्टाम्प की बिक्री के साथ ही प्रधानमंत्री से जुड़ी कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनका भी लाभ दिलाने में मदद करेंगी, और प्रदेश में लगभग 80,000 से ज्यादा सरकारी राशन की दुकानें अब जनता के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी। इसके लिए अब लोगों को तमाम सरकारी प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी राशन की दुकानों को कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC के तौर पर विकसित किए जाने संबंधी करार पर हस्ताक्षर किए हैं, और गुरुवार को इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन्हीं की अध्यक्षता में जहां प्रदेश सरकार एवं CSC ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के बीच MOU किया गया है, प्रदेश के खाद्य एवं रसद आयुक्त सौरभ बाबू व CSC ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के स्टेट हेड अतुल राय, इन्होंने AMU पर हस्ताक्षर किए। और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कोटेदार के लिए राशन बांटने का काम करने का पर जो है प्रति क्विंटल लाभांश को 20 रुपये बढ़ाने के लिए जो यहां पर ऐलान किया। इस तरह अब प्रदेश में सरकारी राशन की 80,000 से ज्यादा दुकानों का संचालन कर रहे कोटेदारों का लाभांश प्रति यहां पर क्विंटल लिखा हुआ है कि 70 से बढ़कर के 90 रुपया हो जाएगा। इस वृद्धि से सरकार के खजाने पर करीब 200 करोड़ रुपए का सालाना बोझ पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार जल्दी प्रदेश भर की सभी उचित दर की दुकानों का और अपग्रेडेशन करने जा रही है। इस मौके पर बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि CSC की सेवाओं से प्रदेश के 80,000 कोटेदार जुड़ेंगे तो न केवल उनकी आय में इजाफा होगा बल्कि दूसरों को रोजगार भी दे सकेंगे। इन CSC से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ जनता अपने घर के नजदीक मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की खाद्य वितरण व्यवस्था पूरे देश में बेहतरीन है, एक राष्ट्र एक कार्ड की अवधारणा से जुड़ते हुए तकनीकी को अपना करके यहां के उन कार्ड धारकों को नेशनल पोर्टेबिलिटी से जोड़ा गया है जो काम के चलते महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात या अन्य राज्यों में है। इस सुविधा को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश के इतने इतने ये हैं जो नागरिक हैं अपने राशन कार्ड पर वहां खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है, जबकि अन्य राज्यों में इतने नागरिक भी उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह यहां पर ये जानकारी है जो यूपी से निकल के आ रही है, और ये राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, इस तरह से और भी जो भी आपके सरकारी दस्तावेज हैं इन सबको सरकारी गल्ले की दुकानों से निकटतम भविष्य में लोग प्राप्त कर पाएंगे, इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। वहीं पर सुधा देवी बहन आती हैं उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से, और बहन ने ये जानकारी भेजी है कि 16 जुलाई 2022 को एक लेटर हरपालपुर में खंड विकास अधिकारी जी जो राजेंद्र नाथ पांडे जी हैं उनके द्वारा निकाला गया है, और इन्होंने कहा है कि मुख्य विकास अधिकारी महोदय हरदोई के द्वारा
अभियान चला करके समस्त ग्राम पंचायतों में पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाने के लिए निर्देश दिए गए। उपरोक्त अभियान को सफल बनाने के लिए कैंप का आयोजन किया जाएगा और संबंधित दिनांक को संबंधित सचिव प्रधान आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आशा इनका आयुष्मान कार्ड बनवाने में पंचायत सहायकों का सहयोग किया जाएगा। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप संलग्न रोस्टर के अनुसार कैंप का आयोजन करते हुए बनाए गए कार्डों की प्रगति से उसी दिन शाम जो है यहाँ पर तक जो है ये सब चीजें हैं लिखी गई हैं इतने तक जो अवगत कराएं और साथ ही लापरवाही इस काम में क्षम्य नहीं होगी। तो ये एक मैटर है जो आपके हरदोई जिले से आ रहा है। भेजा था सुधा देवी बहन जो हरदोई से आती हैं और उनके अलावा एक यहाँ पर और जानकारी आपको देना चाहेंगे। मालती बहन आती हैं मैनपुरी जिले से। उन्होंने कहा है सुधांशु भैया नमस्कार, हमें इस बारे में जानकारी चाहिए। मैं इंटर पास हूँ और मेरे पति नहीं है और मेरी ज्वाइनिंग 2011 में हुई है, तो क्या मेरा प्रमोशन हो जाएगा? अब भैया जी चैनल के माध्यम से मुझे अवगत कराएं। तो पहली बात तो इस वाली प्रक्रिया में तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपको पता है 2007 के पहले के जो भी हैं समथिंग के वहां पर 2017 में मांगे गए थे, क्योंकि 2017 का मतलब ही हो गया प्रक्रिया अगर प्रस्तावित है इसके 10 साल पहले। अब 2017 के 10 साल पहले यानी कि 2007 की ही तो बात होगी, 7 के पहले के जो लोग होंगे उन्हीं की तो उम्र 10 वर्ष पूरी हो पाएगी विभाग में काम करते हुए। अब 2007 के बाद के जो लोग थे 2017 तक उनका 10 साल सेवावधि वाला काल ही पूरा नहीं होगा, तो प्रमोशन के दायरे में वो कैसे आ जाते? तो इसीलिए आप सब ध्यान दीजिए, 2007 के पहले के लोगों का ही प्रमोशन में यहां पर जो है काम चल रहा था और उन्होंने 2017 में जिन्होंने अप्लाई भी किया था लिस्टों में नाम वाम आया था प्रमोशन के लिए भेजा गया था, तो उन्हीं लोगों में से प्रक्रियाएं चल रही हैं और उन्हीं में से छटनी हो रही होंगी और उन्हीं में से मेरिट वेरिट बनेगी, फिर जैसे जो इतनी सीढ़ियां हों उस सापेक्ष वहां पर अपना कट ऑफ बनेगा और वैसे ही जो है नौकरी सुपरवाइजर के पद पर प्रमोट किया जाएगा बहनों। तो यहां पर 2000 आप जो अगर 11 में नियुक्त ही हुई हैं तो आपका तो किसी भी हाल में इस प्रक्रिया 2017 वाली में संभव ही नहीं है, और साथ ही साथ आगे जब कभी भविष्य में आएंगी, अब देखो कब आती हैं, अगर ये पूरी हो जाएंगी तो अगली पता नहीं कब आएंगी, क्योंकि आप सबको पता है 8-10 साल तक यहां प्रमोशन नहीं होते हैं, जो कि एक बड़े दुख की बात है। कम से कम हमारे यहां यूनियनों को इतना तो हासिल ही कर लेना चाहिए था मुकाम की जो प्रमोशन है उनको अन्य विभागों की तरह समय पर जो है करवाया जाए। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही सिंपल वाली मांगे हैं, अब उन पर भी आंगनबाड़ी बहनों की समस्याएं बनी रहती हैं, तो ये एक बड़े दुख की बात होती है। जैसे प्रमोशन, भर्ती ना आना, अब ये कोई मानदेय बढ़ोतरी जैसी तो समस्या है नहीं कि इनको 24,000 मानदेय मांग रही हैं, तो कम से कम प्रमोशन का एक जो काम है, कम से कम जो भर्तियों का काम है, भर्तियों का इसलिए कि बहनों पर डबल डबल भार ना पड़े और उल्टे जो है बाकी और भी बहनें आएंगी तो और काम आसान हो जाएगा। तो इस तरह से धीरे धीरे करके जो काम है ये वाले तो कम से कम माने ही जा सकते हैं। अब इस पर भी समस्याएं बनी रहती हैं तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि आखिर हमारे जो रहनुमा लोग हैं वो कर क्या रहे हैं यूनियन के पदाधिकारी। तो ऐसे में यहां पर आप सब यही चाहते होंगे कि जो प्रमोशन है वो या तो जल्दी पूरा हो जाए या फिर नए सिरे से हो, क्योंकि 2000 जिनका साथ में पूरा नहीं हो रहा था वो अब धीरे धीरे 10 वालों का भी पूरा हो जाएगा, तो अब ऐसे में उन लोगों की भी डेट जो है निकलती जाएगी। बहुत सी बहनें ऐसी हैं जिनका बहुत जो है डेट निकल चुका था, वो जो भी एज लिया गया था 45, 40 या 50 जो भी था उस टाइम पर प्रमोशन प्रक्रिया के लिए, तो उसी को मानक रखते हुए बहुत सी बहनें ओवर एज हो गई थी तो उनको मौका ही नहीं मिला था 2017 में अप्लाई करने के लिए। वहीं पर योगी आदित्यनाथ जी ने ट्वीट करके एक और जानकारी भेजी है। इन्होंने लिखा है कि अगर किसी व्यक्ति ने बैंक में पैसा जमा किया और वह उन पैसों को केवल निकालता रहेगा, पैसा नहीं जमा करेगा, तो एक समय आएगा कि उसका अकाउंट खाली हो जाएगा। ये बात उन्होंने क्यों कही है मैं आपको समझा दूं। अभी यहां पर भूगर्भी जल की जो समस्याएं बनी हुई हैं, जो या पीने योग्य जो पानी है जो जमीन के अंदर से आता है जिसको भूगर्भी जल बोलते हैं, तो उसी की यह स्थिति हम सबके सामने है, ऐसा योगी जी ने इसके लिए कहा है। तो यहां पर आप सब ध्यान देना, पानी वगैरह बचाओ, और यहाँ पर क्योंकि जो स्रोत हैं वो आपके भूमि के अंदर वाले, तो जो पीने योग्य पानी है वो जल अंदर ही है जमीन के, अब वो खत्म हो रहा है और वो इतनी तेजी से खत्म हो रहा है जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। क्योंकि आप अगर देखें तो इस तरह से तमाम जो है यहाँ पर आपके धीरे धीरे करके जो है क्या बोरिंग होने लग गई, नल लगने लग गए, नल लगे तो बड़े बड़े और ज्यादा बड़ी बड़ी बोरिंग, सिंचाई उसी से शुरू हो गई भूमिगत जल से, अब ये सब चीजें हैं। जबकि अगर देखा जाए
है तो सिंचाई के लिए और भी संसाधन अपनाए जा सकते हैं, जैसे बाढ़ का पानी इधर उधर गया इकट्ठा कर लिया गया या गांव में तालाब इकट्ठा कर लिया गया, ऐसे करके भी चीजें थोड़ा थोड़ा जल का जो है संरक्षण भी बहुत जरूरी है। बाढ़ का पानी जो है या बरसात का पानी बोल सकते हैं, तो बरसात का पानी एकदम शुद्ध होता है। अब उसी इसीलिए बोला जाता है कि गांव में तालाब होने चाहिए ताकि बाढ़ का पानी सॉरी बरसात का पानी जमा कर सके। तो यहां पर ध्यान देना, तो अगर पानी जमा होगा तभी धीरे धीरे करके भूमि में जाएगा और ये इतनी आसानी से नहीं जाएगा, ये समझ लेना कि एक बार बरस गया तो पीने के लिए बहुत कुछ हो गया, वो नीचे नीचे तो जाते जाते सूख भी तो जाता है। तो ऐसे इतनी जल्दी ये नहीं होती चीजें, क्योंकि जो पानी आप भूमिगत नीचे देख रहे हैं ये पानी कोई एक दो दस पचास साल या हजार सालों का नहीं है, करोड़ों सालों की प्रक्रिया के तहत ये बना है पानी। बहुत बरसात हुई, करोड़ों सदियां सदियां बरसात होती रही जो पृथ्वी पर, उसके बाद कहीं पानी की अधिकता हुई तब ये पानी नीचे गया और वही आपके लिए पीने योग्य समय है। तो वो भविष्य में भले ही आपके साइंटिस्ट पानी जैसे समुद्र का पानी है जो ऊपर बह रहा है सब इसको भी पीने योग्य बना लें फिल्टर विल्टर करके, वो एक अलग बात है, लेकिन जमीन से पानी निकलना अपने आप में एक बहुत बड़ी मनुष्य जाति के लिए चुनौती बन जाएगी। क्योंकि अब अगर आप जो है कोई कंपनी मान लीजिएगा फिल्टर करके पानी आपको देगी, तो आज की जनरेशन में जब पानी की इतनी अधिकता है तब तो आपको 25 रुपया 30 रुपया की बोतल मिलती है पानी की छोटी सी। अब आप सोचो अगर भविष्य में जल जमीन से निकलना ही बंद हो जाए तो ये जो पानी बाहर से आएगा अब इसकी कीमत कितनी ज्यादा होगी। अभी तो जो जमीन से निकाल लिया पानी आराम से हल्का फल्का फिल्टर कर लिया नाम मात्र के लिए और आपको पकड़ा दिया बेच दिया इतने इतने रुपए में, अभी तो ये सिचुएशन है जब उपलब्ध है आसानी से। जब ये नहीं होगा भूमिगत जल तब आप सोचिएगा ऊपरी जो स्रोत है उस वाले को फिल्टर करने में कितना खर्चा आएगा, और जब डिमांडें बढ़ जाती हैं और सप्लाई कम हो जाती है तो यहां पर जो है उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। तो यहां पर आप समझना इन चीजों को, तो ये भविष्य में आप सबके लिए भी चुनौती बनेगा। इसीलिए कहा जाता है कि वृक्ष लगाओ। देखो इस बार अगर बरसात का ही आप जो है काम ले लो तो क्या बरसात हुई, बिल्कुल भी सही से बरसात नहीं हुई है अभी तक जो है हमारे साइड में, तो बिल्कुल नहीं हुई है और आपके वहां का क्या आलम है पता नहीं। अब इस साल तो लगता है जैसे सूखा ही पड़ा है, चाहे आपका धान है गेहूं आपका इस टाइम पर धान और मक्का जो है उगाया जाता है, तो मक्का भी बेकार जा रहा है धान भी जा रहा है, सिंचाई के लिए किसान करे तो क्या करे। अब यहां पर आप देख सकते हैं कामनी बहन आती है कानपुर देहात से और उनके वहां पर ये मेला लगाया गया था, और साथ ही साथ इनके अलावा ये यहां पर एक बहन आती है पूनम सिंह लखीमपुर खीरी से। और आज का जो वीडियो है उसको हम यहीं तक रखेंगे, अगले वीडियो में आप सबको सुबह 10 बजे हम मिलेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज सुबह का वीडियो पसंद आया होगा, और ध्यान देना चैनल से अगर ना जुड़े हों तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चैनल से अगर जुड़ जाएंगे तभी खबरें आप तक पहुंच पाएंगी। और वैसे एक एक बहन को, जैसे कुछ बहनें व्हाट्सएप से मैसेज करके जानकारी मांगना चाहती हैं, तो देखो हमारे लिए संभव नहीं है कि हम एक एक बहन को अलग से व्हाट्सएप पर सूचनाएं भेज सकें, इसीलिए आपको वीडियो दिए जाते हैं और आप अपना कीमती समय निकालिए वीडियो को देखिए। जितना आपको देखने में टाइम नहीं लगेगा उससे ज्यादा हमें एक वीडियो बनाने में टाइम लगता है। जब जितना मान लीजिए मैंने बोला उसको बोलने से पहले खबरें देखना, इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बनके आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है।